Hello everyone, good morning, hope you all are doing great. So this is Q&A video जिसमें मैं questions के directly answer देने वाली हूँ, क्योंकि हर question का answer directly message की form में देना possible नहीं होता है. So I thought it's better कि मैं उसको directly इस way में सबके साथ में share करूँ. तो अभी चलते हैं first question की तरफ. So first question है कि मेल के वीक पार्ट पे हिट करने से उसको इतना ज़्यादा पेन क्यों होता है. इस क्वेश्चन को मैं एक एग्जांपल की फॉर्म में क्लियर करना चाहूँगी. जैसे कि हम सबको पता है कि हमारे बॉडी के जितने भी डेलिकेट ऑर्गन हैं वो अच्छी तरीके से कवर्ड है बॉडी के अंदर, ताकि वो प्रोटेक्टिव हो सके. सो लेट्स एज्यूम कि आपका हार्ट प्रोटेक्टिव ना हो के कि शोल्डर के ऊपर ऐसे पड़ा होता. तो अगर कोई आपको शोल्डर पे लाइक आपके हार्ट के ऊपर डायरेक्टली हिट दे रहा है, इट मे बी अ स्लाइटली पंच, पावरफुल पंच, कुछ भी लगा लो, इंटेंसिटी अलग हो सकती है, लेकिन अगर वहाँ पे हिट होगा तो कितने परसेंट चांस है कि आपको कुछ नहीं होगा, कितना परसेंट चांस है कि आप सर्वाइव कर पाओगे. सो दिस इज़ द सेम थिंग. जब तक आपके ऑर्गन प्रोटेक्टिव है, आप सेफ हो, आपको बहुत ज़्यादा सीवियर चांसेस नहीं होते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा हर्ट हो. लेकिन अगर आपका कोई भी ऑर्गन प्रोटेक्टिव नहीं है और कोई उस पर हिट करेगा तो वो आपके लिए वीकेस्ट पॉइंट बन जाता है. सो दिस इज़ द सेम केस विद मेल्स. उनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो बॉडी के अंदर प्रोटेक्टिव नहीं, उनके ऊपर कोई भी स्पेशल कवरिंग नहीं है, स्किन की बहुत ज़्यादा हार्ड कवरिंग नहीं है जो उनको प्रोटेक्ट कर सके. सो दैट्स वाई अगर कोई भी उसको अच्छा सा हीट दे देता है तो पूरी तरह से डैमेज हो सकते हैं, बहुत गंदा पेन हो सकता है, इवन एक्सट्रीम केस में डेथ भी हो सकती है. मेन रीज़न ये है कि आपके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो कवर्ड नहीं है, तो उनको हिट करना बहुत ईजी है और उनकी जो लोकेशन है वो इतना ज़्यादा लाइक एक्सपोज है कि अगर कोई चाहे तो बहुत आसानी से हिट कर सकता है. तो इसीलिए और इन कंपैरिजन टू फीमेल, तो और एक चीज़ मैं इसी के साथ में रिलेट करना चाहूँगी कि मेल और फीमेल में जब कोई पूछता है कि फीमेल और मेल को क्या सेम पेन होती है या फिर वो सेम इफेक्टिव है, फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कवर्ड होते हैं, लाइक दिस इज़ इनसाइड यूट्रस, तो पूरी तरीके से कवर्ड है. फिर आप हिट दे रहे हो तो वो इतना भी पावरफुल हिट नहीं होने वाला है कि सामने वाले के लिए अनबियरेबल हो. सो दिस इज़ द मेन डिफरेंस. मेल को उसके बॉल पे हिट करता है तो बहुत ही ज़्यादा अनबियरेबल होता है मेल के लिए, अगर नॉर्मल, अगर एक नॉर्मल इंसान है. लेकिन अगर कोई एडिक्टिव पर्सन है तो उसके लिए डिफरेंट थ्योरी है, डिफरेंट रिएक्शंस है. लेकिन अगर नॉर्मल इंसान के लिए हम नॉर्मल कैटेगरी की बात करें, अगर वहाँ पे आप हिट करोगे तो ऑब्वियसली वो बहुत ही ज़्यादा अनबियरेबल होने वाला है. तो सिंपल सा रीज़न है कि वो प्रोटेक्टिव नहीं है, एक्सपोज है, तो आप उसको ना ही उसको आप कंडीशनिंग करके स्ट्रॉन्ग बना सकते हो, ऐसा भी कोई लॉजिक नहीं है. सो दैट्स वाई दिस इज़ द सिंपल थिंग कि वो मेल को ज़्यादा पेन फील होती है. एंड सेकेंड थिंग जो कि स्पेशल रिक्वेस्ट आई थी स्पेशली दो तीन मेल्स की तरफ से, कि आपके सेल्फ डिफेंस वीडियोज़ बहुत सारी लड़कियाँ देखती है, तो प्लीज़ आप एक मैसेज कन्वे कर देना है कि जब भी आप मेल के बॉल्स या फिर उनके टेस्टिकल पे हिट कर रहे हो तो दिस इज़ नॉट अ गेम, ये बहुत ही डेंजरस होता है. लेकिन या यूट्यूब से देख रही है और डायरेक्टली ट्राई करने लग जाती है, कभी अपने बॉयफ्रेंड के साथ में, कभी हस्बैंड के साथ में, या फिर अपने ब्रदर के साथ में अगर वो प्रैक्टिस कर रहे हो, आप उनको प्लीज़ एक मैसेज दे दो कि इनको हिट नहीं करना चाहिए, बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस चीज़ है. सो यही चीज़ मैं आपको बोल रही हूँ गर्ल्स, अगर आप मुझे देखते हो, मुझे मानते हो, तो प्लीज़ एक बात मेरी सुनो कि प्रैक्टिस करो, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखो कि ये गेम की ये मजाक नहीं है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस कुछ भी हो सकते हैं. सो डोंट नॉट थिंक कि आप किसी को हिट कर दोगे लाइक वो आपका भाई है, आपका बॉयफ्रेंड है, या फिर आपका हस्बैंड है, अगर आप गलती से भी हिट हो जाता तो बहुत ही ज़्यादा उनके लिए सीरियस इश्यू हो सकता है. सो डोंट डू दिस. सबसे पहली चीज़ है कि किसी को भी अटैक करना आपका राइट नहीं है, ये आप ध्यान, तो यही चीज़ आप अपने दिमाग में बिठा लो कि आप किसी को भी हिट नहीं कर सकते हो. हिट करने के आपकी लिमिटेशन है, एक दायरा है. अगर आप उस जोन में हो कि आपको अपनी जान बचाने के लिए सामने वाले को हिट ही करना पड़ेगा, तो दैट्स अ डिफरेंट केस. लेकिन अगर आप एक फ्रेंडली फाइट में दे रहे हो जो सामने वाले के लिए लीथल हो सकते हो, तो ये सही चीज़ नहीं है. कीप दिस थिंग इन माइंड कि अगर आप प्रैक्टिस भी कर रहे हो तो भी इतनी लाइट प्रैक्टिस रखो, अपने रिफ्लेक्सेस पे काम करो. जब आप हिट करने लगते हो, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, वो हो जाता है, लेकिन मेन चीज़ आपके रिफ्लेक्सेस अच्छे होने चाहिए. तो अगर आपको प्रैक्टिस करनी है, रिफ्लेक्सेस की प्रैक्टिस करो, अपनी स्ट्रेंथ पे काम करो. ओवर को हिट करके आप खुद को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बना रहे हो. सो दैट्स अ सिंपल मैसेज. एंड बाकी के जो क्वेश्चंस है वो हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. अगर आपका भी कोई भी क्वेश्चन है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दीजिए, और अगर वो क्वेश्चन ऐसा हुआ जिसके ऊपर मुझे डायरेक्टली डिस्कस करने की जरूरत है, तो आई विल ट्राई टू कवर दैट थिंग हियर. सो टिल देन, बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे अलर्ट, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.